हेलो फ्रेंड्स, RBW फैशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पटियाला सलवार की कटिंग बताऊंगी और इसकी स्टिचिंग का वीडियो जल्दी मैं आपके लिए अपलोड करने वाली हूँ। सलवार की लंबाई 37.5 इंच है। ये कपड़ा 3 मीटर है। कपड़े को इस प्रकार से आपको फोल्ड कर लेना है। इस कपड़े को मोहरी के हिसाब से आपको फोल्ड करना है। 7.5 इंच का, 8 इंच का आप आपके अनुसार रख सकते हो। मैं इसे 8 इंच का रखने वाली हूँ। बेल्ट के लिए 7 इंच ऊपर से छोड़ देंगे। साढ़े 37 इंच पर निशान लगा लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मोहरी को मोड़ने के लिए। 2 इंच जगह छोड़िए। देखिए, अब लाइन खींच लेंगे। आप सिंपल वाली स्केल से भी लाइन खींच सकते हो। इस बेल्ट की लंबाई 31 इंच है। देखिए 31 इंच पे निशान आ रहा है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये रियॉन कपड़ा है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं जल्दी इसका स्टिचिंग का वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको उसका जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लेंगे। अब इस बचे हुए कपड़े को अच्छे से आपको प्लेन रख लेना है। देखो, ये बंद हिस्सा है और इधर का खुला हिस्सा है। अब इसको अच्छे से बिछा लेना है और जो मैंने आपको ये स्क्रीन पर जो आपको फोटो दिख रही है सेम इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। इस बेल्ट की लंबाई 31 इंच रखी है हमने। ये रियॉन कपड़ा है इसलिए थोड़ा इधर उधर जा रहा है। ये सीधी सिलाई कटिंग नहीं दिख रही है इसकी, रियॉन कपड़े पर ये। इस कपड़े पर भी 31 इंच का नाप लेना है और 31 इंच के बाद 9 इंच पर निशान लगाना है। एक साइड पे 9 इंच पे निशान लगाना है। अब दूसरी साइड पे भी 9 इंच पे निशान लगाना है। ये नीचे की लटक होती है, ये देखिए, ये इधर इधर भी 9 इंच पे लगाना है निशान। वापस कपड़ा अच्छे से स्ट्रेट रख लेना है। अब इस प्रकार से आपको लाइन खींचना है। ये जो डॉट लगाया था इस पे आपको, और ये दूसरा डॉट लगाया था, देखिए ये 9 इंच का है। इस प्रकार से आपको इंच टेप रखना है और निशान लगाते जाना है चौक से। ये देखिए, धीरे धीरे इसमें निशान लगाते हुए जाइए आप। ये देखिए, मैंने दोनों साइड अच्छे से निशान लगा लिया है पूरा। अब इसे कट कर लेंगे। बीच में से जो चौक का निशान लगाया था उसी पर कटिंग करते जाना है।
जो आगे पीछे कपड़ा है उसे सही कर लेंगे, और जो बंद भाग है उधर से भी कट कर लेंगे। इकतीस इंच का पट्टी काटी थी ये आगे वाली मोहरी वाली, इसके ऊपर ये हिस्सा रखेंगे और इस प्रकार से इस पे सिलाई लगा लेना है। देखिए इस प्रकार से रख लेना है आपको। इसकी पूरी लंबाई 47 इंच है, देखिए 47 इंच है पूरा लंबाई। इस पटियाला पैंट का स्टिचिंग का वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। सलवार के बेल्ट की कटिंग करेंगे अब। ये कुर्ती का कपड़ा है, ये कपड़े के टू पार्ट्स हैं। इस प्रकार से आपको उसको डबल वापस से फोल्ड करना है। इस बेल्ट की चौड़ाई 19.5 इंच है। 21 इंच का बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे, उसका आधा हिस्सा 10.5 पर लगाएंगे निशान। बेल्ट की लंबाई 9 इंच है। अब लाइन खींच लेंगे। बेल्ट की कटिंग करेंगे। पटियाला सलवार की कटिंग हो चुकी है। ये पटियाला सलवार बहुत ही घेरदार दिखती है, आप ज़रूर इसका वीडियो देखना स्टिचिंग का भी। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।